कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कोरबा में मंगलवार को जिला कलेक्टर विनय कुमार लहंगे, उनकी धर्मपत्नी एकता लहंगे ने ओदामी ग्राम के 131 नंबर पोलिंग बूथ में लाइन में लगकर मतदान किया। मतदान के बाद कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की और पिछले लोकसभा में पड़े मतदान से ज्यादा प्रतिशत मतदान का लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद जताई। इसी दौरान उनकी धर्मपत्नी एकता लहंगे ने कहा कि लोग अपनी समस्या से निदान पाना चाहते हैं तो उनको मतदान जरूर करना चाहिए और स्थायी सरकार का चयन करना चाहिए। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। इस लोकसभा के महापर्व पे मेरे सभी जो कोरिया वासी हैं, जिला के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, जो वोट के उनसे निवेदन है कि जैसे कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने आस पड़ोस के जो आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सबको भी प्रेरित करें कि आपके आपके अपने जो निकटतम मतदान केंद्र है वहाँ पे आके वोट करें। और कोरिया जो लास्ट टाइम पे जो लोकसभा का वोटर टर्नआउट था उसे अधिक अचीव हमें करना है, तो आप सभी से यही अपील है कि आगे आए और अपना मत का उपयोग करें और कोरिया जिले में इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मैं भी सोशल एक्टिविटी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि काफी सारे महिलाएं घरेलू हिंसा का प्रॉब्लम लेके आ जाती हैं, कभी कोई एसिड अटैक विक्टिम आ जाता है, शिक्षा में बहुत सारा सुधार करने की जरूरत है, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिजली की कई समस्या है, तो ये सब चीजें अगर हमारी सरकार अच्छी आती है 5 सालों के लिए जो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लाए तो वो हमारे देश के लिए ही अच्छा है। और मतदान करना हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ना केवल हमारा कर्म है लेकिन हमारा धर्म भी है और एक पूजा की तरह लीजिए, जैसे आप हम लोग घर में पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, वैसे मतदान को भी एक वर्शिप की तरह लीजिए।